सो हेलो गाइस, मेरा नाम जीवन कुमार है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में किसी भी सोशल मीडिया का लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया का लिंक YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड करने से आपका फायदा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका YouTube चैनल ग्रो कर चुका है तो आप लोग YouTube के थ्रू आप लोग सोशल मीडिया पर फॉलोवर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे, जानिए। कोई भी नया सब्सक्राइबर्स या फिर नया व्यूवर्स आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएगा तो उसके सामने आपका सोशल मीडिया का लिंक वहां पे शो करेगा, तो इससे ज्यादातर चांस है कि वो आपको सोशल मीडिया पर भी फॉलो करेंगे। तो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में किसी भी सोशल मीडिया का लिंक कैसे ऐड करना है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं, अपने सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों, आज के इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में किसी भी सोशल मीडिया का लिंक कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने YouTube चैनल को ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैं जो अपने चैनल में अभी कोई भी सोशल मीडिया का लिंक नहीं लगाया हूँ तो कैसा दिखता है। तो यहाँ से मैं अपने YouTube चैनल पर जाता हूँ, फिर मैं अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते, हमारा चैनल के अबाउट सेक्शन ओपन हो चुका है और यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया का लिंक नहीं लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको किसी भी सोशल मीडिया का लिंक कैसे लगाना है। तो उसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो यहाँ से मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी सिंपली ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ से यूट्यूब वाले टैब पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होता है। तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड तक वेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से लोगो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो चेक करना है कि आप जिस ईमेल से अपना YouTube चैनल बनाए हैं वो यहाँ पे लॉगिन है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से स्विच अकाउंट करके अपना ईमेल को बदल भी सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली से एक बार यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है studio.youtube.com, जिस तरीके से मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली से सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है, तो आपको ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 से 6 सेकंड तक वेट कर लेना है। सो गाइस, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है, तो आपको यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आपका चैनल का नाम, चैनल का डिस्क्रिप्शन और चैनल का लिंक देखने को मिल जाते हैं। और नीचे में देख सकते हैं एक ऐड लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली से आपको ऐड लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर ए टाइटल, मतलब कि आपको उस टाइटल लिखना है जिसका लिंक आप इसमें ऐड करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंस्टाग्राम। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं URL required, मतलब कि आपको अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ से हम इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको सिंपली से गूगल क्रोम में इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको एक बार बैक आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से टैब वाले आइकन पर क्लिक करके मिनिमाइज करके आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से इस लिंक वाले ऑप्शन पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है अपने फिंगर को। उसके बाद पेस्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ से पब्लिश वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 से 6 सेकंड तक वेट कर लेना है, आपका जो सोशल मीडिया का लिंक है वो YouTube के अबाउट सेक्शन में लग जाएगा। अब मैं आपको मिनिमाइज करके अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन को ओपन करके दिखा देता हूँ। और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे लग चुका है। इस पर कोई भी व्यूअर्स क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर चला जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सेकंड का वेट करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं उस पर क्लिक किया था, तो ये हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर लेके आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारे सोशल मीडिया का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में किसी भी सोशल मीडिया का लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और अगला कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे आप जो कमेंट बताएं। तो चलो दोस्तों, आज किस कमाल एक वीडियो को समाप्त करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।